अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? हेलो हेलो बताइए भाई जी, खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हजरत, आप अहले हदीस से हैं ना? हाँ हाँ, आप नहीं अहले हदीस? नहीं, हम अहले हदीस नहीं, मैं अहले सुन्नत है वह जमात। तो आप नहीं मानते हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के? अरे भाई, आपने कहा कि आप अहले हदीस ही नहीं हो, तो क्या मेरे भाई आप ना तो कुरान को मानते हो ना हदीस को मानते हो? नहीं, हदीस क्या है आपकी? क्या हदीस है आपने लिखी है? अरे हदीस आप मानते हो कि नहीं? आपने कहा नहीं मानते हो, बात खत्म हो गई। हदीस है, हमने तो कहा ही नहीं कि हम मानते नहीं। तो आप ही कह रहे हो कि अहले हदीस है ही नहीं, तो जो भाई अहले हदीस होता है वही तो हदीस को मानता है। अहले हदीस का मानना क्या है? मैं जो नबी हदीस वाला हदीस को मानने वाले, जो नबी की हदीस मानता है मैं वो मानता हूँ। हाँ, तो नबी की हदीस को मानने वाले को ही अहले हदीस बोलते हैं। कोई पड़ोसी की हदीस हम थोड़ी ना मानते हैं कि हमारा पड़ोसी जो बोल देगा उसको हदीस बना लेंगे। हाँ नहीं, तो आप नबी को मानते हैं? अरे भाई, जब नबी की हदीस को भाई हम लोग अमल कर रहे हैं, नबी की हदीस से ही अपनी पहचान हमने बनाई है, असाबुल हदीस अहले हदीस, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर सी बात है मानते तो है ना। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। तो हमें लगता है सलातो सलाम भी आप पढ़ते होंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं मेरे भाई, बैठ के पढ़ते हैं जैसे साहबा ने पढ़ा था, जैसे हदीसों से साबित है। जरा पढ़ के बताएंगे, मैं दो अल्फाज जरा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ये आपने क्या पढ़ा है? अल्लाह के नबी के ऊपर मेरे भाई क्या है, दुरूद है सलाम है। दुरूद पढ़िए, दुरूद शरीफ ऐसे पढ़े थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मबारक वसल्लम सलातुम वसलाम अलैका। मतलब जो सहाबा ने पढ़ा वैसे हम ना पढ़े, और जैसे आप पढ़ लें वैसे पढ़े, यानी कि आपको सहाबा मान लें? माज अल्लाह, नहीं नहीं, अरे माज अल्लाह, आप ये कह के हमें गुनहगार बना रहे हैं। तो आप ऐसी बात नहीं करने, ये जो मैंने हदीस भाई, ये जो मैंने पढ़ा ये हदीस से साबित है, ये सहाबा इकराम पढ़ते थे। और ये दुरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते हैं वो आप कह रहे हैं इसको ना पढ़ो, या ना पढ़ो? वारे वा भाई, नहीं नहीं, ये दुरूद शरीफ, ये दुरूद शरीफ नहीं है। अरे दुरूद तो बहुत सारे आप लोग ने बना दिए, दुरूद काफी, दुरूद साफी, दुरूद दुरूद, वो आपके आपके दुरूद खोजना पड़ेंगे। सलातो सलाम अच्छा कैसे पढ़ा जाता है हमें बताएंगे? सलातो सलाम देखिए, आप लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे तो पढ़ना साबित ही नहीं है कि मदीना रुखो के लोगों को जमा करके या नबी सलाम अलैह का गाना गा के उर्दू में। ये तो मेरे भाई बिल्कुल ना तो साहबा ने पढ़ा, ना ताबईन ने, ना तबे ताबईन ने, ना ही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने, इसलिए हम भी नहीं ऐसा अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, कुरान शरीफ जो पढ़ी जाती है उसको कैसे किरत की जाती है? हेलो, अरे भाई आपका नाम हम बताएंगे कुछ? मेरा नाम है मोहम्मद शानू खान अजहरी। शानू खान अजहरी का गुलाम जी, हुजूर गौसे आजम का गुलाम हूँ मैं। तो गौसे आजम मेरे भाई क्या थे? गौसे आजम ने फरमाया, आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस, असाबुल हदीस, अहले असर। तो आप कह रहे हैं कि हम तो अहले हदीस नहीं है, तो आप उनके मेरे भाई मानने वाले कैसे हो गए? नहीं तो आप क्या मानते हैं उनको? हुजूर गौसे आजम, हम तो उनको मेरे भाई अल्लाह का वली मानते हैं, अहले हदीस मानते हैं। आपने खुद फरमाया गुमतु तालबीन की भाई जिल्द एक सफा नंबर 166 में कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, अहले हदीस, असाबुल हदीस। तो हम भी अहले हदीस हैं जी जी। गौसे आजम मेरे भाई नमाज में नाप के ऊपर हाथ बांधते थे, रफुल दैन करते थे, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, आमीन जोर से बोलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनके जैसे नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो हमारे वली है ना, आपने तो चोरी कैसे कर लिया? नहीं वो तो नहीं, वो तो कहीं लिखा है, हमें कुरान में दिखाएंगे, कुरान के हवाले से बताइए आप, बैठिए बात। अरे कुरान में गौसे आजम का नाम आप मेरे भाई दिखा पाओगे? आइए दिखाएंगे, आइए कुरान में दिखाएंगे अब्दुल कादिर साहब का नाम। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बताइए कौन से आया थे? नहीं इसमें आने की जरूरत ही नहीं, आपका कुरान हमारा कुरान बिल्कुल सेम है, अरबी वाला। आप हमें हवाला दे दो, हम अभी खोल के देख लेते हैं कि कौन सी सूरा की कौन सी आयत में शेख अब्दुल कादिर साहब का नाम आया है, बता दीजिए। हाँ हाँ, नोट करिए आप, बताइए। अला इन्ना औलिय्याल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वाब्तग़ू इलैहिल वसीला।
देखिए कुरान देखिए भाई, इन दोनों आयत में शेख अब्दुल कादरी शेख जिलानी रहमुल्ला इनका नाम ही नहीं है। मुराद तो अलिया का है ना, वो भी तो अलिया है। हाँ तो ये कही ना मुराद हम ले रहे हैं, तो आप फर्जी का एक चैलेंज करते हैं कि हाँ नाम उनका आया है। नहीं अरे आप कह रहे ना कि ऐसे मुराद से अगर साबित करना है तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह खुद हो जाएंगे अहले हदीस, क्योंकि आपने खुद फरमाया है कि सही हदीस मेरा मजहब है। आपने क्या कहा था अभी शुरुआत में कि हम हदीस हम नहीं मानते, हम सुन्नत मानते हैं। तो गोया कि आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो आपके उसूल के हिसाब से अहले सुन्नत से बाहर हो गए, क्योंकि वो तो अहले हदीस हो गए। आपके नजदीक अहले हदीस अलग होता है, अहले सुन्नत अलग होता है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने तो फरमाया सही हदीस मेरा मजहब है, तो गोया भाई वो अहले हदीस हो गए, अहले सुन्नत से बाहर हो गए। इतने फास्ट बोलने से आप सच्चे नहीं हो जाएंगे भाई। मेरी आदत ही है ना, मेरी असल में अल्हम्दुलिल्लाह 2000 हनफियों से बात हो चुकी है, मैं जानता हूँ वो लोग बोलने देते नहीं, इसलिए मैं बहुत स्पीड में बोलते जवाब देता हूँ। मैं अहले हदीस हूँ, यानी कि आप कुरान को नहीं मानते हैं। हाँ अल्लाह सुबहानहु ताला ने सूरह ज़ुमर में फरमाया कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया है, अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है ना, हम बिल्कुल मानते हैं। नहीं तो अहले कुरान क्यों नहीं कहते, सबको हदीस क्यों कहते हैं? अल्लाह ने कुरान को हदीस कहा है ना, इसलिए हम भाई अहले हदीस हैं। नहीं बिल्कुल बेवकूफ है। नहीं बिल्कुल आप बेवकूफ आदमी है, क्योंकि हदीस का आपको माना नहीं पता। हदीस का माना होता है बात, यानी कि अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात, और जो अल्लाह और अल्लाह के नबी दोनों की बात को मानता है उसको उर्फ़े आमी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अहले हदीस, असाबुल हदीस। सलातो सलाम बताइए कैसे पढ़ते हैं? सलातो सलाम भैया हम जिस तरीके से आप पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ते, हम नमाज में अत्तयात में बैठ के पढ़ते हैं। अत्तयात पढ़ा जाता ना, लेकिन ये आप भी जानते लेकिन माशाल्लाह मतलब मेरे भाई नबी के अमल में आपको तीन साल करना है लेकिन करना है, और अपने इमाम के अमल को आसान करके मान लेना, ये कौन सा दुगला पढ़ मेरे भाई, ये समझ में नहीं आता, ये कौन से दिन पे अमल कर रहे हैं आप? ये कलमा ना पढ़ा जाए वो कलमा पूरा नहीं होता। नहीं नहीं आप ये बताइए आप नबी की बात में इतनी उंगली क्यों करते हैं, कील काल क्यों करते हैं? अपने इमाम की बात तो आप आग बन करके मान लेते हैं, और नबी की बात आती है तो उसमें लेकिन लेकिन अपना शैतानी कयास आप डाल देते हैं, ऐसा क्यों? ना ना हम तो बिल्कुल मानते हैं, अगर मेरे नबी ना होते तो शायद आप ना होती, ये दुनिया ना होती, बिल्कुल कायनात ना होती। हुजूर तो नूर है ना, बेशक नूर है। अल्लाह सुबहानहु ताला फरमाता है सूरह माईदा की आयत नंबर 15 में कि हमने एक नूर और एक रोशन किताब भेजी, बेशक हिदायत के नूर है लेकिन नूरी मखलूक नहीं है। अगर आपने ये कहने का माना है कि अल्लाह के नबी नूर से पैदा हुए हैं, बने हैं, नूरी मखलूक है, तो माज़ अल्लाह ऐसा काफरों वाला कीदा हमारा नहीं है। वो मखलूक नहीं है, वो नूर है, नूर पता है आपको? मखलूक नहीं है अल्लाह के नबी भाई। आप अब आपसे बात करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप मेरे भाई हमको लग रहे हैं नॉन मुस्लिम, जो आप झूठ बोलते बरेलियों का नाम आप बदनाम कर रहे हैं। ये बरेलियों का कीदा नहीं है कि अल्लाह के नबी मखलूक नहीं है, गर्दन कलम कर दी। बरेली देवबंदी अहले हदीस तीनों मानते हैं कि अल्लाह के नबी मखलूक हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, और आप कह रहे हैं मखलूक नहीं है। आप जरूर मेरे भाई बरेलियों को बदनाम करने के लिए झूठ मूठ का अपना नाम बता रहे हैं। ठीक है मेरे भाई आप फोन काट दीजिए, इसी में भलाई आपकी। अपना नाम बताइए। नहीं हमें आपको कुछ अपना नाम पता कुछ नहीं बताना है। एक मशवरा सुन लीजिए, अहले हदीस और देवबंदियों को गर्दन कलम कर दीजिए, गर्दन कलम कर देनी चाहिए। ठीक है अगर आपके बाप ने आपको दूध पिलाया हो तो आके मेरे भाई कलम कर दीजिए। बाप नहीं पिलाता दूध, बाप तुम्हारा दूध पिलाया। मतलब में जो आदमी है उसके भी दूध आ सकता है। मतलब आपको दूध पिलाया हमारे आपके बाप ने, आपके आपके मतलब आदमी भी दूध मेरे भी पी सकते हैं, तो आप इस्लाम में तब फोन कीजिएगा। अरे